मेरा नाम अशोक पंडित, हरियाणा से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के एक छोटे से प्यारे से गांव कोथल खुर्द का मैं रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं अध्यापक रहा हूँ, अपना स्कूल मैंने चलाया है। पावर ऑफ डिसीजन, पूरी दुनिया में निर्णय लेने की ताकत 5% लोगों के पास होती है। एक चीज के बारे में पता सभी को होता है, पर निर्णय लेने की ताकत 5% लोगों के पास होती है। वो उस निर्णय को ले जाते हैं और लगातार उसके ऊपर काम करते हैं। आज मैं केवल एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? कुछ लोग सस्पेंस में हैं। मैं अमीरी की बात पैसे की नहीं कर रहा, केवल पैसा अमीरी नहीं है। अगर केवल पैसा अमीरी होता तो बहुत से पैसे वाले लोग पागल नहीं होते। मैं अमीरी की बात कर रहा हूं, पैसे से भी अमीरी, संस्कारों में भी अमीरी, सिक्योरिटी में भी अमीरी, संगत में भी अमीरी, बोलचाल में भी अमीरी, रहने में भी अमीरी, आत्मा में भी अमीरी, उस अमीरी की बात कर रहा हूं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? क्या होता है, गरीब लोगों में कुछ खासियत होती है। अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों की तरह काम करना शुरू कर दो। गरीब लोगों में एक खासियत होती है, गरीब व्यक्ति पानी से नहाता है। गरीब आदमी हमेशा पानी से नहाता है, पर अमीर आदमी की खासियत होती है वो पसीने से नहाता है, इसलिए अमीर बनता है। जो लोग गरीब रहना चाहते हैं उनके अंदर एक खासियत होती है, वो पानी से नहाते हैं, पसीने से नहीं नहाते। उन लोगों में खासियत होती है वो मोबाइल फोन से ही सारा काम चला लेते हैं। उनमें खासियत होती है वो घर में बैठे रहते हैं, उनकी डाउनलाइन मीटिंगों में धक्के खाती रहती है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी कभी घर के बाहर कदम नहीं रखता। गरीब आदमी हमेशा सुरक्षा चक्र के अंदर जीवन जीता है। यदि उसे कहा जाए कि तू इधर आ जा, तू ये काम कर ले, वो सोचता है मैं कर तो लूं पर पीछे वाला चौपट ना हो जाए, इसलिए वो कभी भी सुरक्षा के घेरे से बाहर कदम नहीं रखता। पर अमीर लोगों में खासियत होती है, अमीर लोग जब काम करते हैं तो सुरक्षा के घेरे के बाहर करते हैं। मेरे दोस्त, अगर छक्का लगाना चाहते हो और क्रीज के अंदर भी खड़े हो, छक्का नहीं लगेगा। अगर छक्का लगाना चाहते हो, क्रीज से बाहर कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद छक्के लगेंगे।